ये जो इमेज आप देख रहे हो, क्या आप डिटरमाइन कर सकते हो कि ये इमेज किस जानवर की है? क्या आपको पता है यूट्यूब पे एक ऐसे रिच यूट्यूबर हैं जो पूरे यूट्यूब को भी खरीद सकते हैं? तो गाइज, ऐसे ऐसे फैक्ट को जानने के लिए मेरे चैनल को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियोज को कर दीजिए शेयर। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा कि वो कैसा दिखता है, उसकी लेंथ कितनी होती है। तो क्या आप लोग जानते हो कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहाँ खत्म होता है, उसकी एंडिंग पॉइंट क्या होती है? जैसा कि इस इमेज में आप लोग देख रहे हो, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो एक समुद्र के छोर पर है, जो एक समुद्र के छोर पर खत्म हो रहा है। फैक्ट नंबर 14, आप लोग इंटरनेट पे बहुत सारे सर्च इंजन को यूज करते होंगे, जैसे गूगल, याहू, बिंग। पता है ब्राजील में एक इकोशिया नामक एक ऐसा सर्च इंजन है जो कि अपनी कमाई का 80% हिस्सा पेड़ लगाने के लिए डोनेट कर देता है। दैट्स ग्रेट जॉब। फैक्ट नंबर 13, ये जो आप इमेज देख रहे हो, क्या आप डिटरमाइन कर सकते हो कि ये किस जानवर की इमेज है? चलिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। तो गाइस, ये एक बियर यानी भालू की इमेज है जिसके बाल को शेप कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है पूरे बर्ड्स की प्रजाति में एक हमिंग बर्ड ही ऐसी बर्ड है जो बैकवर्ड की ओर भी उड़ सकती है? नंबर 11, आप लोगों ने एफिल टावर कहीं ना कहीं किसी पिक्चर में या वीडियोस में जरूर देखा होगा, जो कि पेरिस में सिचुएटेड है। तो क्या आप लोगों ने एफिल टावर की नाइट की इमेज देखी है, कि नाइट में वो कैसा दिखता होगा? तो जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है, एफिल टावर को पूरे लाइट से डेकोरेट कर दिए गए ताकि वो दूर दूर से दिखे। फैक्ट नंबर 10, आप लोगों ने टाइटेनिक शिप तो देखी होगी, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। टाइटेनिक शिप पे 4 चिमनी आपको दिख रहे हैं, जो कि 4 चिमनियों में से 3 चिमनी जो होती है वो धुआं निकालने का काम करती है, बाकी जो चौथी वाली चिमनी है वो सिर्फ जहाज को बैलेंस करने का काम करती थी। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है प्याज काटते वक्त अगर आप च्युइंगम चबाओगे तो आपकी आंखों से आंसू नहीं आएगी? दैट्स गुड फैक्ट। फैक्ट नंबर 8, पूरे वर्ल्ड से जितना भी सोना निकाला गया है उसका 12% हिस्सा सिर्फ भारत के महिलाओं के पास है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है हमारा जो नेशनल फ्लावर लोटस है वो इंडिया के साथ साथ वियतनाम का भी नेशनल फ्लावर है? फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है चमगादड़ों की सबसे बड़ी गुफा टेक्सास में है और इसमें 2 करोड़ के करीब चमगादड़ रहते हैं और यह हर रोज करीब 2 लाख किलो खटमल खा जाते हैं? फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है ये जो हॉर्स होते हैं यानी जो घोड़े होते हैं वो खड़े होते हुए भी सो सकते हैं? फैक्ट नंबर 4, यहाँ पे जो इमेज यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे इस इमेज में कौन सा आइसलैंड है एंड कौन सा ग्रीनलैंड है। मैं आपको 5 सेकंड का वक्त देती हूँ। ओके, सो गाइस, यहाँ पे आपको जो लेफ्ट पिक्चर दिख रहा है वो ग्रीनलैंड है एंड जो राइट पिक्चर दिख रहा है वो आइसलैंड है। बोथ इमेजेस आर अपोजिट टू ईच अदर विद देयर नेम्स, सो फैंटास्टिक। फैक्ट नंबर 3, हमारे सोलर सिस्टम में हमारे अर्थ के अराउंड ना जाने कितने ही सैटेलाइट रिवॉल्व करते होंगे, तो क्या आप ऐसा कभी सोच सकते हो कि वो सैटेलाइट पृथ्वी पे भी गिर सकते हैं? ऐसा केस सच में हुआ है, मिशिगन नामक कोई सिटी है, उस सिटी के किसी घर के गार्डन में ये सैटेलाइट गिरा हुआ है जो कि आपको इमेज में दिख रहा है। फैक्ट नंबर 2, गाइस ये फैक्ट आपको हिला के रख देगा। क्या आपको पता है यूट्यूब के एक ऐसे यूट्यूबर्स है जिनका नाम बिल गेट्स है, वो पूरे यूट्यूब को भी खरीद सकते हैं एंड उनको हाल ही में गोल्ड प्ले बटन मिला हुआ है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। सो गाइस, फैक्ट नंबर 1 से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल पे कर लेना है, इससे आप मेरे चैनल के वीडियो सबसे पहले देख सकोगे। फैक्ट नंबर 1, गाइस पढ़ाई तो बहुत लोग करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है पूरे भारत में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति कौन है? तो गाइस, पूरे भारत में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति श्री कान जिचकर हैं, जिनका जन्म 14 सितंबर 1954 ईस्वी में हुआ था। इनके पास IAS, IPS, वकील, डॉक्टर समेत 20 डिग्रियां हैं। 25 साल की उम्र में ये MLA भी बने। 2004 में इनका देहांत हो गया। एंड यहाँ पे गाइस, यहाँ पे जो इमेज दिख रहा है इनके सारे 20 डिग्रियों की पूरा लिस्ट बनाया गया है, आप इसे देख सकते हो।
सो गाइस दैट्स फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड वीडियोस को शेयर करना ना भूले, और हाँ नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना ना भूले, इससे आप सबसे पहले मेरे वीडियोस को देख सकोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।